सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरोथी आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में जाना था राग अहीर भैरव के छोटे ख्याल के बारे में, तो आइए आज जानते हैं कि उसी छोटे ख्याल में उसी बंदिश में आलापतान किस तरीके से किए जाए। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर लिखा है राग अहीर भैरव और उसके बाद उसके कुछ आलाप और तान। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इन सभी डिटेल्स को नोट कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड मैं आगे जो भी बात करूँ तो आप उसे इजीली रिलेट कर पाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इन सभी डिटेल्स को नोट कर लिया होगा। तो आएगा सबसे पहले है 14 मात्रा का आलाप। तो सबसे पहले इसको हम बिना ताल की गाएंगे ताकि हम इसके सुरों के बारे में पहले जान पाएं। तो देखिए इस प्रकार है पहला आलाप। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी सरगम के आगे डैश लगाओ, जैसे अगर निशा रे के बाद लगा है दो या तीन डैश, तो देखिए हमने उसको उतनी बारी एक्सटेंड करना है। जैसे एग्जाम्पल, तो जितनी बारी वो डैश लगा होगा हमें उतनी बारी उसको एक्सटेंड करना है। तो आएगा शुरू करते हैं पहला आलाप जो है नी सा रे नी सा। एक बार और नी सा रे नी सा। तो देखिए ये जो आलाप है वो है 14 मात्रा का, तो आपको गाना है खाली से यानी नौवीं मात्रा से। अब नौवीं मात्रा के हिसाब से देखिए इसका बोल के क्या आएगा। अब देखिए जो इसकी बंदिश है वो है सातवीं मात्रा से, तो आती है अलबेला। तो इसमें जो है अल वो है सात और आठवीं मात्रा पे। तो देखिए अब हमने क्या करना है कि अल सिर्फ बोलना, उसके बाद नौवीं मात्रा से हम इसका आलाप शुरू करेंगे जो कि खत्म हो जाएगा छठी मात्रा पर। तो सातवीं और आठवीं से वापस से अलबेला साजन उड़ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से अलबेला साजन डालते हैं दूसरे आलाप की तरफ जो कि है इस प्रकार सारे का। सेम जगह से गाना है अलबेला साजन आयरे अल सरे गमा गरे सरे सा अलबेला साजन। तो आइएगा अब नजर डालते हैं तीसरे आलाप की तरफ जो कि है इस प्रकार मा पधनी आइएगा नजर डालते हैं इसके चौथे आलाप पर जो है इस प्रकार म प ध नी रे सा नी र प ल बेला। इसको भी सेम जगह से देखिए अलबेला साजन आयरे अल म प ध नी रे सा नी र प ल बेला साजन आयरे। तो आइएगा अब देखते हैं इसको ताल में किस तरीके से गाया जाए। तो जैसा कि आप तीन ताल को सुन पा रहे हैं और आप जानते हैं कि इसको नौवीं मात्रा से गाना है, तो आइएगा सात और आठ में अलबेला यानी अलबेला का अल आपको बोलना है, उसके बाद नौवीं मात्रा से आलाप गाएंगे। सबसे पहले देखिए किस तरीके से दो तीन पाँच साजन आयरे
अब नज़र डालते हैं इसकी तानों की तरफ, जो कि है छः मात्रा की। अब वो गानी है हमें सम से, यानी कि पहली मात्रा से। अब देखिए उससे पहले क्या क्या बोला रहे हैं, अलबेला साजन। अलबेला साजन के बाद आपको तान गानी है जो कि एक से लेके छः मात्रा तक की तान होगी, उसके बाद दोबारा सात आठ से उठेगा अलबेला साजन आयोरी। अब देखिए इसको भी सबसे पहले हम बिना ताल के गाते हैं ताकि इसके सुरों के बारे में जान पाए। तो देखिए पहली तान इस प्रकार है। तानों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमेशा जिस लय में बंदिश चल रही होती है उसे हमेशा दुगुन की लय में तान को गाना चाहिए और गाया जाता है, इसलिए इसको लिखने का तरीका और इसका प्रकार भी अलग होता है। इसलिए इसको दुगुन का जो साइन होता है कि वो एक पेयर होगा हाफ सर्कल सरगम के नीचे। अब उस पेयर के नीचे कभी कभी दो लेटर्स भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, मगर अभी दो हैं तो हमने उसको दुगुन की लय में गाना है। तो आइएगा शुरू करते हैं पहली तान, देखिए इस प्रकार। एक बार और थोड़ा धीरे करते हैं, सारे गम पम गरे सनी सा। एक बार और, सारे गम पम गरे सनी सा। इसकी जो जगह होगी देखिए, अलबेला साजन। साजन के बाद देखिए आपको तान गानी है, अलबेला साजन सारे गम पम गरे सनी सा। आप नजर डालते हैं दूसरी तान की तरफ जो कि है गमा पदनी रा पमा गरे सा। एक बार और, गमा पदनी धा पमा गरे सा। एक बार और, गमा पदनी धा पमा गरे सा। इसके लिए भी सेम जगह देखिए, अलबेला साजन गमा पदनी रा पमा गरे सा। अलबेला साजन गमा पदनी रा पमा गरे सा। आप नजर डालते हैं तीसरी तान की तरफ जो कि इस प्रकार है, सा नी ध प म ग रे स रे ग म प। एक बार और, सा नी ध प म ग रे स रे ग म प। इसके लिए भी सेम जगह देखिए, अलबेला साजन सा नी ध प म ग रे स रे ग म प। अलबेला साजन सा नी ध प म ग रे स रे ग म प। नजर डालते हैं अब चौथी तान की तरफ जो कि है इस प्रकार, सारे ग म म ग रे स रे ग म प। सारे ग म म ग रे स रे ग म प। देखिए इसके लिए भी सेम जगह होगी, वो किस प्रकार, अलबेला साजन सारे ग म म ग रे स रे ग म प। अलबेला साजन सारे ग म म ग रे स रे ग म प। अलबेला साजन सारे ग म म ग रे स रे ग म प। तो आएगा अब है 14 मात्रा की तान। जिस तरीके से हमने 14 मात्रा का आलाप गाया था नौवीं मात्रा से, उसी तरीके से नौवीं मात्रा से आपको तान गानी है। अब वो सबसे पहले जानते हैं कि वो तान किस प्रकार है, देखिए। सारे ग म प ध नि सारे ग म ग रे स नि ध प म ग रे स नि सारे ग म प। अब देखिए इसकी जो जगह बनती है वो देखिए किस प्रकार, अलबेला साजन सारे ग म प ध नि सारे ग म रे ध नि ध प म ग रे स नि सारे ग म प। अलबेला साजन आयो रे अल सारे ग म प ध नि सारे ग म रे ध नि ध प म ग रे स नि सारे ग म प। अलबेला साजन आयो रे अल सारे ग म प ध नि सारे ग म रे ध नि ध प म ग रे स नि सारे ग म प। आएगा एक और तान जो कि है 14 मात्रा की, वो इस प्रकार, ग म प ध नि सा नि ध प म प सा नि सा वन सा नि सा वन सा नि सा। अभी जो वन है वहां पर एक गैप है, तो अभी मैं वन बोल रहा हूं ताकि आपको आदत पड़े, बाद में आपको वन नहीं बोलना तान के बीच में। देखिए किस प्रकार, ग म प ध नि सा नि ध प म प सा नि सा गैप सा नि सा गैप सा नि सा। अलबेला साजन आयो रे अल ग म प ध नि सा नि ध प म प सा नि सा इस तरीके से आएगी। एक बार और इसको गा के देखते हैं, ग म प ध नि सा नि ध प म प सा नि सा नि सा नि सा। अभी अभी जो मैं टैप कर रहा हूँ आप उसकी जगह पर आप उसको वन ही समझे कि वो गैप है। देखिए, ग म प ध नि सा नि ध प म प सा नि सा नि सा नि सा। अलबेला, अब देखिए वो भी सेम जगह से फिट होगा, देखिए किस तरीके से, अलबेला साजन आयो रे अल ग म प ध नि सा नि ध प म प सा नि
तो आइए आप देखते हैं इसको ताल में किस तरीके से गाया जाए। तो जैसा कि आप तीन ताल को सुन पा रहे हैं और आप जानते हैं कि जो छह मात्रा की तान है वो आपको एक से गानी है और जो 14 मात्रा की तान है वो आपको 9 से गानी है। देखिए किस प्रकार, 2 3 4 5 आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्कार।